हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ हाइड्राइडर सीएनजी। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोन से पहले देख रहे हैं, इसको दोस्तों स्पाइट किया गया है स्टॉक यार्ड में। देख सकते हैं सीएनजी वेरिएंट दोस्तों ये हाइड्राइडर का होने वाला है। तो दोस्तों अब आपको टोयोटा हाइड्राइडर आप सीएनजी में भी देखने को मिलेगी, तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आया हूँ, तो आप उसी के लिए प्लीज़ जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसी वीडियोज़ मिस ना कर सकें। तो दोस्तों बात करें इस हाइड्राइडर सीएनजी वेरिएंट की, तो इसमें आपको ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सीएनजी इसमें ऐड हो चुकी है, वो भी कंपनी फिटेड। बाकी फ्रंट साइड आपको यहाँ पर देख सकते हैं सीएनजी की बैजिंग देखने को मिलने वाली है, और रियर में भी आपको मिरर पर यहाँ पर सीएनजी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसी कुछ आपको इसकी रियर की प्रोफाइल मिलने वाली है ओवरऑल। बाकी आप चलते हैं इसकी बूट स्पेस में, देखते हैं सीएनजी होने के बाद अब इसमें कितनी आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक टेल ओपन बटन देखने को मिल जाएगा इसकी बूट के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको कुछ ऐसी इसकी बूट स्पेस मिलने वाली है, आप लगभग एक बैग तो इसमें इजीली रख सकते हैं। और जो इसका स्पेयर व्हील है दोस्तों आपको इसके नीचे देखने को मिल जाएगा टैंक के, आपको मैं वो भी अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं इतनी कुछ आपको स्पेस मिलने वाली है, थोड़ी बहुत साइड में मिल जाएगी। और इसका जो स्पेयर व्हील है 17 इंच का आपको यहाँ पर इसके नीचे ही दिया गया है, तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से फिट किया गया है। तो यही फ़ायदा होता है दोस्तों कंपनी फिटेड कार का। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिलिंग कहाँ से होगी सीएनजी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएनजी का फिलिंग का ऑप्शन आपको पेट्रोल टैंक के साथ ही में देखने को मिलता है। बाकी सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर एक फीचर देखने को मिल जाएगा, अगर आपकी ये दोस्तों कैप ओपन रहती है तो आपकी कार ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों यही फ़ायदे होते हैं कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स के, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपकी सिटी में कितना प्राइस चल रहा है सीएनजी का। बाकी आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी होने वाली है। तो आपको साइड प्रोफाइल में भी कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, 17 इंच का आपको इसमें व्हील दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कब तक आपको इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है और क्या इसका प्राइस होगा। तो आप इसका दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीएनजी का लेवल दिखाएगा कि कितना अभी सीएनजी का लेवल बचा हुआ है। तो आपको सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी आप इसका इंटीरियर दोस्तों देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं आपको इस वाले वेरिएंट में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता। बाकी बात करूँ रियर की, तो रियर में कुछ दोस्तों आपको ऐसी स्पेस देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाती है रियर में भी। फ्रंट लुक्स की बात करूँ तो फ्रंट से दोस्तों आप इसकी लुक्स देख सकते हैं, खासकर कि दोस्तों इसकी जो लुक्स है मेरे को मारुति की ग्रैंड विटारा से अच्छी देखने को लगती है। बाकी आपकी दोस्तों प्रेफरेंस है आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पर आप मिरर पे इसकी सीएनजी की बैजिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके लॉन्च की और इसके प्राइस की। तो दोस्तों जो इसका लॉन्च है आपको दिसंबर के स्टार्टिंग में या मिड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक यार्ड में ये कार आ चुकी है, तो जल्दी ही इसका लॉन्च हो जाएगा। बाकी जो दोस्तों इसका प्राइस है, प्राइस में आपको सिर्फ 95,000 का इंक्रीज देखने को मिलेगा पेट्रोल वाले वेरिएंट के कंपेयर में। तो दोस्तों इसके रिलेटेड बाकी अपडेट जानने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।